ठीक है। बारिश का है तू है नदी। भाई टाइम क्या हो गया, जल्दी बता, ट्रेन गुजर रही है। 11:41 हो रहे हैं, बताओ। 11:41 पे हम लोग पहुंच गए हैं किधर, दया बस्ती। दिखाइए ये, पहले दिखाइए। आपके लड़के का क्या नाम है दीदी, बताइए। आप तो शर्मा गई। अरे आ गए बच्चों के मामा, आ गए। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रधान जी हम YouTube चैनल चलाते हैं जी, विभिन्न हमारे जो सहनागरिक है उनका जीवन दिखाते हैं जी। आज हमने सोचा दया बस्ती का जीवन दिखाते हैं। आज जीवन ये देख लीजिए सर। हाँ दिखाइए, आइए आप ये दिखाइए आराम से। हाँ ये सब कैर कीजिए, हट रहे पीछे हट कर जी। बिल्कुल दया बस्ती का ये मेन रास्ता है। हाँ यहाँ बस। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो हम करीब 30-35 साल से रह रहे हैं। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर यहीं पास में ही है। इलेक्शन के टाइम में सब कहा था कि हम जो है अगर सरकारी कर्मचारी नहीं काम करेगा तो हम प्राइवेट कर्मचारी रख के काम करवाएंगे, पर अभी किसने बोला था आपको? ये झाड़ू वाले ने, आम आदमी राकेश जोशी ने बोला था। अच्छा। कि अगर सरकारी कर्मचारी आपके लिए मैं काम नहीं करता हो तो वो सफाई हम करवाएंगे प्राइवेट आदमी रख के। और आज हम जाते हैं तो कहता हमारा कर्मचारी के पास ये नहीं है वो नहीं है, कर्मचारी वहाँ काम करने को राजी नहीं है, बहुत सारी समस्या है यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम घोष है। गुलाम घोष जी, ये जो कूड़ा भी इधर देख रहा हूँ पड़ा हुआ है। हाँ कूड़ा के लिए भी इसका कोई समाधान नहीं है? कूड़ा के लिए हम लोग जो है RPF वाले से, GRPF वाले से सबसे बात करवा दिए कि भाई कूड़ा उठवा दो, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है वो। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हमें तो ये 95 से रह रहा हूँ यहाँ। 2002 की हमारी आईडी बनी हुई है। अच्छा 2002 की आईडी बनी हुई है। 2002 की पहचान पत्र मेरी बनी हुई है। कोई आप पीछे कहाँ से हैं? पीछे हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ? दरभंगा जिला से। अच्छा तो ज्यादातर लोग दरभंगा से ही हैं क्या यहाँ पे? हाँ ज्यादातर के दरभंगा के हैं और कुछ जो है कुछ राजस्थानी भाई। तो भी आप क्या काम करते हैं सर? हम छोटी सी दुकान कर रखे हैं यहाँ। किस चीज की दुकान? बच्चों का सामान वामान बेचते हैं। अच्छा ये हमारी प्रोफेशन है। तो सब आते हैं, हम हैं तो हमें जब लिया हो गया तो तुम लोग कीड़ा मकोड़ा, हम लोग कहीं और आप लोग कहीं और। कोई सरकार आपका ख्याल रखने कोई नहीं आई? सरकार नहीं रखेगा, एक भी पार्टी नहीं है। ना झाड़ू छाप, ना फूल छाप, ना हाथ छाप, सबको अपना अपना वोट लेने से मतलब है। कोई नहीं कुछ करेगा, बस अपना काम निकल गया बाहर में जाए जल्दी। लीडर लोग तो इतना बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। लीडर बोलता हमारे यहाँ पे लाओ ना लीडर, उसे भी हम खुद ही बात करेंगे। चलो अब अंदर देख लो, अंदर भी ऐसा सुविधा, अंदर भी इधर से जाएगी, इधर से इधर से इधर से इधर से भी रास्ता, जिधर से निकलिएगा एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ठीक है कौन बोल रहा है बोलो ना। ये बोलना बोलना, क्या कचरा फेंकता है ना इसलिए थोड़ा सब भर जाता है इसलिए। इधर पूरा कचरा ही रहता है हमेशा। कोई कोई पार्क पार्क नहीं है? पार्क है भी तो गंदा संदा पार्क है। और उसमें पार्क इधर है एक पार्क, तो उसमें जाते हैं हम लोग तो उसमें बोलते हैं कि यहाँ आप नहीं आना है, यहाँ खेलना नहीं है, भगा देते सब बच्चे को। जो जो पार्क वाले लोग, हाँ अभी भी गए थे तो भगा दिया। जो कॉलोनी वाले लोग यस। हेलो कौन सी क्लास में? कौन से स्कूल में? नगर निगम। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है तेरा? इंग्लिश। क्या पढ़ता है इंग्लिश में? इंग्लिश में हो जाए दो चार लाइनें बोल इंग्लिश की। नहीं बोल सकते। नहीं नो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आदित्य कुमार झा। वेरी गुड मिस्टर झा, व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? उत्तरी दिल्ली नगर निगम। वंडरफुल, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 12th ईयर ओल्ड। वेरी गुड, इज दिस अ टेंपल हियर? यस। या यस, डू कम हियर इन द टेंपल वेरी ऑफन? या What do you want to become when you grow up? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? Teacher. Teacher. क्या पढ़ाओगे? पढ़ा दूँगा। मम्मी पापा क्या करते हैं दोस्त?
मम्मी होम मेकर है और पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। किस चीज की फैक्ट्री है? रबर। ऑल राइट बडी, थैंक्स बडी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, वंडरफुल। क्लैपिंग हो जाए आदित्य के लिए, वेरी गुड। कितने आप 1990 से पहले से रह रहे हैं, ये तो कुछ यहाँ हालात में बदलाव आया है? कोई सड़क, कोई नाली, कोई पानी, कोई बिजली? वो सर देख लीजिए सामने, अब ये सब, ये तो मंदिर है, ये कम से कम हम लोग इस जगह को, वो जो आप नीचे देख रहे हैं मंदिर जितना गहरा, उससे ज़्यादा गहरा ये था। उतनी नीचे थी जमीन? उससे ज़्यादा, वो तो मंदिर है वो भी भरा गया उतने पे है, उसके बाद इतना फिर भरा ये है। तो करीब 4-6 फुट है जी। जी इधर से जाएगी ना ट्रेन? दोनों तरफ लाइन, दोनों ने तीन तरफ है, आगे से समझ लीजिए तो चारों तरफ है, उधर भी लाइन है, इधर भी। अच्छा, रेलवे लाइन के बीच में है। जी जी, बिल्कुल पानी भर जाता है, कीचड़ ऐसा हो जाता है ना, जबकि ये मेन रास्ता है। जय श्री राम। जय श्री राम आंटी, जय श्री राम। देखिए बिल्कुल बेकार है ये राम राज्य तो मुझे नहीं लग रहा है, अगर आप बुरा ना माने, ये राम राज्य ये तो नहीं है। नहीं नहीं, वो तो राम के तो भक्ति है ही, लेकिन ये राम राज्य नहीं है। ये पहली मंजिल है, ये पहली मंजिल है, ये पहली मंजिल है, वो दूसरी मंजिल है, पहली मंजिल का क्या हाल है ये देखिए। माँ ये घर की छत है, ये घर की छत है, इतना ऊपर आ गया है क्योंकि नालों नालियां भरनी पड़ती हैं। और ये आपके सामने हुआ है, आपके रहते रहते 10 साल में? 10 साल भी नहीं हुआ है अभी तो, बिल्कुल भी। पहले तो और नीचे तो बनाया लोगों ने, फिर वहां जाके फिर इधर 4-5 साल के अंदर फिर इतना हुआ। आपका नाम क्या? मेरा नाम साबिया है। यहाँ रहने का मन करता है साबिया? एकदम ही नहीं रहने का मन करता सर, पढ़ाई की वजह से। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में आज तक। आगे चल के क्या बनना है? आर्मी में ज्वाइन करना है। अच्छा, वेरी गुड। और हमेशा इन रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करके जाना होता है? ऐसे ही जाना पड़ता है हमें पैदल, और इतनी दूर स्कूल जाना है। यहाँ भी खतरा रहता होगा? यहाँ बहुत खतरे, बहुत जनी करते हैं, बच्चे छोटे छोटे मासूम से सब करते हैं, ऐसे होते हैं, कटते एक 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 बार में तो दो दो तीन तीन आदमी कट जाते हैं ऐसे ही। मतलब सेफ्टी है ही नहीं? नहीं, एकदम ही नहीं है। कहाँ पे सेफ्टी नजर आ रही, देखना आप। अभी मैं उधर जाऊंगी तो वो लड़के लोग घेर के देख, इतना बदतमीजी करेंगे, और अंकल लोग क्या बोलेंगे, मार दो बेटा 4 चप्पल। अब मार देंगे तो घर पे जाएंगे तो हम लोगों को फिर सुनना पड़ता है कि लड़के लोग 1-2 लगा देते हैं। अब माँ बाप मानते नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ट्रैक पे या अंदर जाके भी सेफ्टी नहीं है? कहीं पे भी नहीं है सेफ्टी, यहाँ से चल सकते हो, हमारे साथ देख लेना, इतनी बुरी तरह की सेफ्टी नहीं, इतनी बदतमीजी है यहाँ पे, सिर्फ खाली बदतमीजियाँ। सारी लड़कियाँ आती है, सारी लड़कियाँ आती है, सबसे पूछ सकते हो आप। तुम लोग का ये नहीं होता कि भाई पुलिस को बताएं? वो कुछ भी नहीं करते, वो खुद डरते हैं, वो रिश्वत पे जीते हैं, रिश्वत पे, और किसी भी पे नहीं। थोड़ा सा पानी घर ले आते, बर्तन धोने के लिए थोड़ा सा पानी घर ले आते तो नहीं ले जाने देते हैं। अब ये और जो कपड़ा धोने आते हैं ना आदमी सब, तो उससे पैसा लेते हैं, फिर जब कपड़ा धोने देते हैं। हम लोग नहाते हैं तो हमारे को भगाते हैं, बोलते हैं नहा मत, खाली नहा के जाओ, पानी उनी तो पानी बंद कर देता है, नहीं देता है। नहीं, पानी बंद कर देता है फिर हमारे को, आओ बाहर से गेट बंद कर देता है, बच्चे लोग को नहीं घुसने देना। हाँ, कितने काट लेते हो एक दिन में? एक बोरा 70 रुपए का, एक बोरा 72 रुपए मिलते हैं, 70 रुपए। और आपको कितना मिलता है? 70। इतना बड़ा बोरा एक दिन में हो जाता है? बना लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ, मेरा कमाई का साधन ये था सर, मैं गाइडलाइन का काम करता था और पार्टी से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस का। तो पार्टी खत्म हो गई तो अब हम लोग का काम खत्म हो गया, उसके बाद गाइडलाइन का काम करता था तो नेट चल गए। प्रशासन को मालूम भी होता है उनको कि जो क्रेम करता है उनका, तो अपने आप ही चर्चित हो जाता है कि फलाना आदमी ने क्रेम किया, उनको पकड़ के बंद करती है, बंद करने के बाद छूट जाते हैं, फिर वही क्रेम करते हैं। वो नशे की समस्या, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, सुलेशन सूंघ रहे हैं, समेक पी रहे हैं, 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे, उनकी संगठन में
औरों के भी बच्चे भी कर रहे हैं, तो सब तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिर हमारे देश में सुधार करने वाला है कौन? इसके तो भी समझते क्या? दारू भी दे। नशा नहीं। दारू में क्या है? नशा। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2। दिन भर क्या करता है? दिन भर नशा करता हूँ। हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू? वंडरफुल। गुड आफ्टरनून सर, आई अपोलोजाइज, गुड आफ्टरनून। ये नॉर्मल गलियां हैं यहाँ की हैं मिस्टर डी के? ये चल रहा है दिल्ली में, क्या कर रहे हैं भाई? चलिए कम से कम बोरियां तो रखवा दी हैं सरकार ने। देखिए भाई, सरकारें जो हैं खास ख्याल रखती हैं देवस्ती की गलियों का, कोई भी कीचड़ में पैर गंदे ना हो, इसलिए बोरियां जो हैं मुझे लग रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने फुल कोऑपरेशन के साथ ये गली जो है बढ़िया से बनवाई है। देखिए जो भी कोई आएगा जूता आपका कीचड़ में तो पक्का नहीं जाएगा। नहीं नहीं, हैं वोट के लिए नहीं, ये इतनी अच्छी अच्छी बोरियां रखवाई हैं आप लोग, कंप्लेंट कर रहे हैं, बताइए बताइए। ये उन्होंने नहीं रखी, निकलने वाले ने रखी है। अच्छा, ये भी आप ही ने रखी है? अच्छा ऐसा है क्या? वोटर आईडी कार्ड है सबके पास? सबके पास है, सबके पास है। यहाँ वोट मांगने भी आते हैं लोग? वोट मांगने आते हैं, वोट की टाइम पे तो हम देते हैं। क्यों दे रहे हो? वोट देना होता तो आ जाओ, हम करेंगे, हम करेंगे, उसके बाद कोई नहीं करता। इसको ऊपर भेज दूं एक बार, ऊपर से दिखा देगा ये। जा 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 ऊपर, ऊपर से शॉट लो। इधर से सीढ़ियां जाओ। कैसे जाओगे? जाओगे कैसे? अरे मुर्गे जी महाराज, जब वोट उनकी बर्तन न्यू न्यू हाथ जोड़ कर न्यू पैर पकड़ी का मारू मार गेरी का। क्या बोल रहे हो? जब वोट ली थी ना, जब तो आम जी हाथ जोड़ी थी पैर पकड़ी है, और आज क्यों आमने ये देखो कर रहे मैं खाई हो रहे थे। आपका घर कौन सा? आपका घर कौन? इसके सामने रहते हो? 24 घंटा पानी आता है। देख लो ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये नेहरू नगर का लगा के पूरा पानी आ रहा है। मजाक नहीं, गंदगी हो रही है, गंदगी। आप नहीं चाहते आगे पहुँचे तो आप मत बात करो। गुस्सा तो वाजिब है दीदी, गुस्सा तो आप लोगों को वाजिब है। इतना हम लोग कितने डूब के रह रहे, कौन देखने आता है, कौन कहने आता है? जब रहता है तो उसके बाद तो देखो ना कितने आते हैं, कोई नाला साफ करने आते हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है 100 जमादार आ जाएंगे नाला साफ करने के लिए। अभी तो देखो कितने कचरे में हम लोग बैठे हुए। कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होता है इलेक्शन के टाइम में, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी कोई करके दिखाए, 2 महीने बाद देखना फिर आ जाएगा सारा उठ करके पूरा आ जाएगा, जितना नेता रहेगा सब। भैया मेरे देना वोट, भैया मेरे देना। तो जब 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 नेता वोट मांगने आते तब आप नहीं बोलते उनको? तो हम लोग क्या बोले, हम लोग जैसे अभी बोलते वैसे ही बोल देते। नेता का कहने से क्या फर्क पड़ता है, बोलने से क्या चलता है? कुछ भी नहीं भाई साहब, देख लो। चलिए बहुत टाइम बाद सड़क दिखी है, मतलब दया बस्ती में मैं आधे घंटे से घूम रहा हूँ, सड़क नहीं दिख रही थी। क्यों, यहाँ तो सड़क ही सड़क है, थोड़ा पानी भर गया। वो तो नाला और पानी दिख रहा था, सड़क तो बहुत टाइम बाद दिखी आंटी। नहीं यहाँ तो साफ रहता है, यहाँ ठीक है। चलो ठीक है, आपका सौभाग्य है आपका। पर यहाँ कोई सफाई करने वाला ही नहीं आता है। झाड़ू लगाई है, होने लगी है बहुत दिन से, हो रही है बार बार के आते हैं लपेटे में। कम से कम 16-17 साल से हो रही है, सब चोरी चपारी सब होती है यहाँ पे। उससे पहले नहीं होती थी? वो उससे पहले नहीं होती थी, पब्लिक कम थी, पता नहीं बार बार के बंदे बहुत आते हैं यहाँ पे। बार-बार के बंदे आते हैं, बार-बार के इंडिया के बाहर, पता नहीं बाहर के कौन आता है, हम तो ये भी नहीं पता ही नहीं, पता नहीं है। चोरी चकारी भी होते हैं? हाँ, दूर इधर पटरी पे होता है, ये वाले पटरी पे होता है, पुल पे होता है,
सबके सामने किसी का मोबाइल छीन लेता, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है। सब गुंडा लोग हैं। इधर मंदिर पे भी बहुत ऊन है, जिसके घर पे करते हैं तुम लोग दुकान वाले के, वो ही कम दो है। सोलो भैया कौन सी लेके जा रहे हो? महंगी लेके जा रहा था बाबू। किसका? अच्छे ये भी चोरी है। पुलिस पुलिस वाला वो आके कुछ परेशान परेशान भी करता है या वो कुछ नहीं करता है? आता है देख के चले जाता है। क्या नाम है गुड्डू तेरा? महराज। महराज। और आपका क्या नाम है? फैजान। आपका? बरकतुल्ला। अरे वाह बरकतुल्ला। तुम लोग स्कूल में कि मदरसा में हो? स्कूल। मैं स्कूल में हूँ और ये भी स्कूल में। ये सिर्फ मदरसा पढ़ता है। स्कूल गांव में लिखा हुआ था, यहाँ नहीं लेता है भर्ती। नहीं ले रहा भर्ती? बोला तुम्हारी उम्र नहीं है इसलिए नहीं लेता। अच्छा उम्र ज्यादा हो गई है। इसलिए नहीं लेता, इस सब के ले लेता बच्चे उच्चे को मुझे। हेलो क्या नाम है आपका? सना। सना। इसका सना नाम है राव्या। सना नाम है। अच्छा सना और राव्या, बहुत ही प्यारे नाम है आपके। आप लोग क्या करते हो, कौन स्कूल जाते हो? नहीं इंटरलॉक के इस इलाके का क्या नाम है? दिल्ली। वेरी गुड। ऐसा दिखता है दिल्ली? दिखाइए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। ये है दिल्ली, है कि नहीं? है कि नहीं? सिंगापुर पेरिस बन चुका है, राइट? मुझे तो फोटो दिखा है। क्या बोला? मुझे तो फोटो दिखा है। ये भाई बातें बहुत होती हैं। चांद पे पहुंच गए हैं, अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। डेवलप्ड होने की बात होती है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ओलंपिक्स लाना चाह रहे हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आप कई देश की राजधानी में लोग ऐसे रहते हैं, ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं कुछ बोलूंगी। इधर खड़े हो जाओ और अपना फेस कैमरा को दिखाओ, अब बोलो। मेरी मम्मी घर बना रही थी तो ना पुलिस आए, मेरे पापा को ले गए हैं, फिर पैसा लिए, मेरी मम्मी से पैसा लिए पुलिस, फिर मेरे पापा को छोड़ दिया, फिर बोले कि अब घर बना लो। और कितने पुलिस वाले आए थे? दो। और आपके पापा को थाने ले गए? हाँ, जो भी घर बनाता है उसको ना पैसा देना पड़ता है। हर एक को देना पड़ता है? पुलिस वालों को? ये यहाँ का यही नियम है, सबको पता है। भाई बहन है तेरे? हाँ। कितने? छह भाई छह बहन। असली वो यहीं घर में रहते हैं? साथ में रहते हैं सब? हाँ। वाओ। आठ लोग हैं घर में। बहुत बड़ी फैमिली है। वेरी गुड। चल थैंक यू। थैंक यू। और देखिए एक ये पार्क है और एक ये पार्क, यही तो बस्ती के बीच में ये पार्क है जो बच्चों को खेलने का चालू है। क्या हालत है भाई, इसके अंदर कीड़े हैं, बड़े बड़े कीड़े हैं इसमें। ये पार्क कितना नीचे था? इतना है पानी इसमें, बच्चा अगर गिरेगा तो डूब जाएगा। बच्चा अगर गलती से गिर गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। जो झूलों की हाइट है वो दिखाओ। है झूलों की हाइट? झूला इतना है। अरे बाप रे, ये तो फुल डूब गया है। अरे बाप रे, ये सर ये कितने सालों से ऐसा? आपने तो बहुत सारे तो देखा होगा। हाँ, नहीं है ये अभी 5-6 महीने से ज्यादा इसकी दशा खराब हुई है। 5-6 महीने से? हाँ। क्यों ऐसा क्यों हो गया 5-6 महीने? क्योंकि सफाई कर्मचारी कोई आते नहीं है, सफाई कोई होती नहीं है, सारी नालियां जो है सब भरी पड़ी है, सारा पानी बैक होकर के ये थोड़ा नीचे है, इसमें पानी भर रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है, ये तो स्विमिंग पूल है। ये तो स्विमिंग पूल दिया है सरकार ने आपको। इससे पहले MCD का जो चुनाव हुआ था उस टाइम में भी बहुत अच्छा काम चला, जो भी है गली वली नाले वाले जो भी ठीक करवाए। उसके बाद हो गया था? हाँ ये बिल्कुल सूख गया था, दोनों पार्क ठीक था। सुखा दिए थे उन लोग? बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद फिर जब जैसे चुनाव उनाव खत्म हुआ उसके बाद फिर कुछ आते पता नहीं, फिर वही हाल। मतलब करा सकते हैं? हाँ, अगर नालियों की सफाई होती रहे तो फिर ये पानी बैग मारेगा नहीं, पानी बाहर निकल जाता है। नालियाँ भी जाम है। आगे दिखाइए अगला पार्क। इस पार्क में बच्चे खेलते थे।
हमारे निकम बाहर से अभी भी खेल रहे हैं। देखिए दो बच्चे तो अभी भी खेल रहे हैं। बच्चों का क्या, वहाँ यहाँ भी खेल लेंगे। सही बात है कि नहीं? जय दिखाओ। अगर ये बच्चे अगर गलती से अगर आगे आ जाए तो निकम जाना मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो खतरनाक तो है, ये पूरा दलदल पड़ा हुआ है। बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं पहुँचा है अभी तक। देख लो सर क्या है अपने सामने। इस शहर में G20 हुआ था, इस शहर में ओलंपिक होने वाला है। जितना भी सर करवाया गया है ना, ये सब निगम पार्षद ने अपने खुद खड़े होकर डलवाया कूड़ा। ये इतना सही था पारक, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। खुद खड़े होकर कूड़ा हाँ, डलवाया उसने। उसने कहा मैं ठीक करवा दूंगा इसको, भरवा देंगे, ठीक करवा देंगे। रीजनल था कि उन्होंने खुद खुद डलवाया है, हमारे सामने सारे पब्लिक के सामने डलवाया है। उन्होंने वादा भी किया है कि हम करेंगे। कब की बात है ये? 5-6 महीने पहले उन्होंने जब जीते थे ना वो, तो एक दो माइन में आ जाए थे, थोड़ा बहुत था, तो उन्होंने वो पूरा डलवा दिया खड़े हो गए कि डलवाओ हम हटवाएंगे यहाँ से। मगर उसके बाद फिर ऊंचा करेंगे, ये करेंगे, वादे बहुत किए, फिर दोबारा आए नहीं। एक सांसद जी है उनके, आम आदमी पार्टी के ही, ये सुशील गुप्ता जी शायद आपने भी नाम सुना होगा। बिल्कुल है, सांसद है। हाँ जी राज्यसभा है ना, तो उन्होंने 1 महीना 1.5 डाल दिया था यहाँ पे जब चुनाव आए थे MLA के, तो 1 महीना उन्होंने यहाँ पे पीछे फ्लाईओवर के पास उन्होंने 1.5 डाल दिया, रहने लग गए थे यहाँ कि मैं यहीं रहूँगा, चाहे जीतूँ चाहे मैं हारूँ, मैं यहीं रहूँगा और मैं अपने फंड से 1 करोड़ रुपए यहाँ पानी के लिए दूंगा कि पानी यहाँ आ जाए। जैसे चुनाव खत्म हुए सीट जीत गए, उसके बाद तो वो भी मतलब उनके तो वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए, दिखे ही नहीं। वोट की राजनीति कितना झूठ बोलता है, है कि नहीं? फुल कैरेक्टर में चले जाता है। एक्टिंग देखनी हो तो नेताओं से देखो, है सीखो। ये क्या है भाई, ये क्या है सर? यही तो कह रहा हूं ना, क्या मतलब है? ये तो बहुत ही मतलब ये दिल्ली के बीचों बीच ये चल रहा है। हाँ, बीचों बीच ये चल रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया विकसित हो गया, ये सिंगापुर बन गया, ये बना है? हाँ, ये बना हुआ है, चारों तरफ से नाले से पानी आ रहा है, भर रहा है। ये तो बहुत ही मतलब क्या बोले इसको, इसको क्या बोला जाए? बताए भाई इसको क्या बोला जाए, तू बता। अरे बोल, इसको क्या बोलोगे? बोल बेटा ये, इसको इसको एक शब्द में आप व्याख्या कीजिए इसकी, बताइए एक शब्द में। बोल दे तालाब, बोल तालाब, तालाब बोलेंगे, बोल स्विमिंग पूल है तालाब, तालाब। अरे तू बड़ा स्मार्ट है, बोल 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 तालाब, तालाब। वेरी गुड, 3 बार बोल दे फिर हो जाएगा तालाब। चलिए अब हो गया तालाब। मजाक ही चल रहा है गवर्नेंस का, हम भी थोड़ा मजाक कर ले कि नहीं? मजाक ही चल रहा है। जब इन सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद जब आप ये देखें कि हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन की बात करते नहीं थकते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेरिस और सिंगापुर की बात करते नहीं थकते हैं, जबकि हमारे कुछ माननीय सहनागरिक ऐसी माननीय हालात में अभी तक रह रहे हैं, तो कृपया करके ये बात आगे तक पहुंचाई जाए। भाई ये मजाक ही चल रहा है, अब इसको सीरियसली भी कैसे लिया जाए? 2024 दिखा रही है, ये नहीं, मुझे भी पता यहाँ के लग रहा है कि मैं कोई 1980s का दूरदर्शन का प्रोग्राम देख रहा हूँ। बाय गॉड, ये 2024 का इंडिया की कैपिटल का हार्ट हो सकता है, मेरे को भी यकीन होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सुनते थे, देख भी रहे हैं, आज भी सच्चाई है, कुछ 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 बेहतर होता रहता है, लेकिन आज भी इतनी ही विकराल स्थिति आपको दिल्ली में भी, भारत की राजधानी में भी दिख जाती है। इतनी विकराल स्थिति कि कोई अगर सफ़ेद यूरोपियन आदमी इसको देख ले तो इतनी गिल्ट में आए कि ये डूब के इसी नाले में मर जाए। इतनी विकराल स्थिति यहाँ आपको देवस्ती में, जखीरा में, दिल्ली में। क्या क्या गरिमा शब्द को आप इस जीवन से जोड़ेंगे जो जीवन आज हमने आपको देवस्ती का दिखाया? क्या गरिमामय ये जीवन है? क्या इज्जत भरा ये जीवन है?
आप खुद ही डिसाइड करें कि हम अपने सह नागरिकों को जब ऐसे जीने दे रहे हैं, जब हमने उन्हें ऐसा जीने को छोड़ दिया है, क्या तब हम एज अ नेशन, एज अ स्पीशी, एज अ सिटी, एज अ रीजन, एज अ रिलीजन, क्या कोई भी बड़े बड़े क्लेम कर सकते हैं? क्या हमारी कोई औकात भी है बोलने की कि हम विकसित हैं, कि हम चांद तक चले गए, कि हम मार्स तक चले गए, कि हम ही हैं सर्वे सर्वा? नॉर्मल सा सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं अगली वीडियो में इतना ज्ञान बांटूं, या आप चाहते हैं कि बस हंसी मजाक ही चलता रहे? वो भी ठीक है, वो भी चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा रियलिटी चेक भी मिल जाए अपने समाज, अपनी स्पीशी, अपने देश के बारे में, तो थोड़ा अच्छा रहता है। आदमी थोड़ा हम्बल रहता है, आसपास गुस्सा कम करता है, एरोगेंस कम रहती है, अपने आसपास जितना भी गरिमामय जीवन दूसरों को दे सके, खुद का जीवन डिग्निटी से भर सके। कम से कम भारत के संविधानकर्ताओं ने जो हमारे लिए जीवन की इमेजिनेशन की, कम से कम आज़ादी के 70, 80, 100 साल बाद कम से कम हम अपने सारे नागरिकों को वो जीवन दे तो पाएँ। इतनी प्यारी लाइन थी लेकिन फंबल ने बिगाड़ दी। होता है कभी कभी, यही हो जाता है। देश तो प्यारा इमेजिन किया होता है, लेकिन 80 साल बाद क्या निकलता है आप खुद ही देख रहे हैं। अच्छा देश है, बहुत प्यारा देश है, दुनिया का नंबर वन देश है, लेकिन सच में एक परिपक्व समाज बनने के लिए, एक विकसित देश बनने के लिए क्या ये काफ़ी है, या फिर थोड़ी प्रायोरिटीज रियलाइन की जाए? कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग अथॉरिटीज इनका जीवन बदल सकती हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आपको ये कंटेंट ठीक ठाक लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें इंडियन यूट्यूब और दुनिया के इंटरनेट पे होनी चाहिए, तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और क्या, ड्राइंग रूम में बैठे हो तो अपने घर वालों को इस वीडियो के बारे में बताइए। अगली बार ट्रेन पे जब दयाबस्ती क्रॉस हो तो 2 सेकंड और सोचिए कि क्या आप अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए इनफ कर रहे हैं, या फिर सब मस्ती में ही चलता रहेगा। बाकी धूप भरा दिन है, मज़े हम भी लेंगे, आप भी लीजिए।